हमारे अपने इस उर्दू किताब मेला में आपका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज मेले उर्दू किताब मेले के अंदर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ, और इस मर्तबा जब मैं आई तो अभी यह समझ लो कि मेरा आधा परिवार है। अभी मैं और भी कई मर्तबा इस मेले में शिरकत करूँगी। मैं अपने शहर को बड़ा ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि यह उर्दू किताब मेला हमारे शहर में दूसरी मर्तबा आया, जबकि हमारा शहर और शहरों की बनिस्बत बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन उर्दू ज़बान के मानने वाले उर्दू को फ़रोग देने का काम हमारे मालेगांव शहर में बहुत तेज़ी से होता है। और मैं समझती हूँ ख़वातीन किताबों का मुतालिया करने के बहुत शौकीन है। हमारे मालेगांव में दीनी किताबों का मुतालिया से ले करके हमारे जो तालीम बच्चों को तक के पहुँचाने का काम जो हमारी ख़वातीन करती है, ऐसा काम मैं समझती हूँ और दूसरे दीगर शहरों में मैंने नहीं देखा है। किताबों के ताल्लुक से मैं कहूँ कि किताबें ले जाकर और ये चीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे इस किताब मेले की रोज़ की रिपोर्ट आते रहती है, रिपोर्टिंग मैं लेते रहती हूँ कि यहाँ पर मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पर इस उर्दू किताब मेले के अंदर शिरकत कर रही हैं और किताबों की खरीदी करके अपने बच्चों तक तालीम की रोशनी बिखेरने का काम मालेगांव शहर की ख़वातीन कर रही हैं। बड़ी ही खुशी की बात है मेरे लिए, और मैं इस उर्दू किताब मेले के मैनेजमेंट से की बहुत सराहना करूंगी कि इतने कम वक्त में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, और यहाँ पर कोई भी बदउनवानी मतलब नहीं हो रही है, और किसी तरीके का हमारा मैं समझती हूँ कि जो बीमारी अभी जो यहाँ पर आई हुई है उसका भी कुछ यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है। सब लोग डिस्टेंस बनाकर और बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही है, और लोग ख़वातीन बिल्कुल यहाँ पर रोज़ाना ख़वातीन अपने परिवार को अपने दोस्त अहबाब के सहेलियों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं। मैं मालेगांव शहरियान से अपील करती हूँ कि बहुत ही कीमती और नायाब किताबें जो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी वो इस उर्दू किताब मेले के अंदर मौजूद है। मैंने खुद बहुत सारी किताबें यहाँ से ख़रीदी है, और मैं उस किताबों से अब बहुत हमारे लोगों को जो नहीं मिलती थी वो किताबें यहाँ पर मिली है। तो मैं मालेगांव शहर की ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि आप लोग इस उर्दू किताब मेले में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से अनमोल मोती लेकर घर जाएं, जिससे हमारे बच्चों के दिमाग रोशन हो सके। बैरून शहर से जो भी पब्लिशर यहाँ पर किताब की दुकान वाले आए, मैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे उर्दू किताब मेले में शिरकत की और यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया। कि मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि जब जब ये किताब मेला यहाँ पर आ रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेयर की कुर्सी पर ही रखा हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। खलील साहब, ये दोनों भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और उनके हौसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बुलंदी अता करे और उनके हौसले और मजबूत हों, और इसी तरीके से इल्म बिखेरने का काम इन्होंने जो शुरुआत की है इसी तरीके से आगे भी करते हैं। 24 तारीख को सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए यहाँ पर वक्त मुख्तस किया गया हुआ है। वो जो ख़वातीन भीड़ भाड़ के डर से यहाँ पर इस किताब मेले में नहीं आ सकती है वो 24 तारीख को अपनी ऑल फैमिली के साथ इस किताब मेले में शिरकत। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने के बाद। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद और मालेगांव के कुछ जो आयोजक थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये जो किताब मेला है उसको सजाया है। काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ठीक है, कोविड का जो नया वेरियंट आया है उसके तौर पर हमें कुछ कल्चरल इवेंट्स वगैरह थोड़ा कैंसिल करना पड़े, पर ये जो कुछ मतलब ये जो बुक यहाँ पे परचेस करने के लिए पब्लिक आ रही है तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ता है इसके वजह से, और हमारे शहर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है। तो परमिशन देना हमारी ड्यूटी होती है, बट इसको थोड़ा सा पब्लिक ने आप संभालना ज़रूरी रहेगा। ऐसे मैं बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे, बच्चे दिखाई दे रहे, और किताब ये एक चीज़ ऐसी है कि ये तुम्हारे जीवन को एक मार्गदर्शन करने वाली बात है। हाँ, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें अच्छी, बहुत उच्च दर्जा की यहाँ पे किताबें
मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग परचेस कर रहे, तो यहाँ पे लोगों में मतलब एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए ये किताब का जो मेला है ये मालेगांव के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक होगा, और इस तरह के इवेंट्स मालेगांव में होना चाहिए ताकि लोगों का एजुकेशन बढ़े, लोगों का अवेयरनेस बढ़े और हमारा जो सिटी है इसका एक अलग से कल्चर तैयार हो। तो मैं जो आयोजक है इसके उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मालेगांव शहर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक संधि उपलब्ध करके दी। ख्वातीन मर्द हजरात न सिर्फ शहर बल्कि बैरून शहर के लोग यहाँ पर आए और इसमें खुसूसन दीनी किताबें ज़्यादा फरोख्त हुई, और मेरा अंदाज़ा मुशाहदा यह है कि सीरत पर बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं फरोख्त हो रही हैं। इससे हम ये भी कहते हैं कि जहाँ हमारा शहर एक तरफ तालीम में पेशरफ्त कर रहा है, जहाँ उर्दू की खिदमत कर रहा है, वहाँ हमारा ये शहर दीन से भी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे दौर में भी दीन के लिहाज से मतलब बेदार है, और इस किताब मेले की वजह से इन तमाम चीज़ों में और गोया एक तरह की उनको तरक्की मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो मैं इस किताब के मेले में कौमी कौंसल उर्दू के लोगों का, मालेगांव शहर के मुकामी मुंतज़मीन का, और वो तमाम लोग जो पब्लिशर हैं या बुक सेलर हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं खुद अपनी तरफ से और मालेगांव जमात इस्लामी हिंद की तरफ से उनका तारुफ करता हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। इम्तियाज खलील साहब को उर्दू किताब मेला के इनेकाद पर सैफ न्यूज़ की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। सैफ न्यूज़ से मुतालिक इम्तियाज खलील साहब, अल्लाह के बना करने के जब से किताब मेला शुरू हुआ है मुख्तलिफ अखबार इस शहर के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उर्दू से जुड़े हुए तमाम अखबार हम लोगों का ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मंसूर अकबर साहब के हवाले से जो हमारे अब्दुलरहमान साहब का सैफ न्यूज़ है, इसने रोज़ अव्वल से न सिर्फ ये कि एक तहरीक की शक्ल में हमारे इस मेले को कवरेज किया है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये फ़ोन कर के मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अब कल क्या होगा, अच्छा आप इसको कैसे किया, अच्छा इम्तियाज़ साहब आपने फलाने से रब्ता किया कि नहीं। अब मैं खुद रब्ता कर लेता हूँ, मैं खुद इनको फ़ोन कर देता हूँ और उनसे मैं खुद कवरेज वो कर लेता हूँ। तो मंसूर भाई आप भी आइए, मैं बेपनाह ममनून हूँ अब्दुलरहमान साहब का, उनकी अहलिया का और मंसूर भाई का। और ये देखिए, ये आप तमाम की और इन जैसे मोहिबान की कहना चाहिए चाहते हैं कि ये इतना बड़ा किताब मेला हो रहा है। मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली और मालेगांव उर्दू किताब मेला कमेटी, इन दोनों की जानिब से आप तमाम का बेपनाह इस्तकबाल करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं अजमल सईद साहब, साफियों ने और जो है जो मुंतजमीन है जो इसके मालेगांव जो इसके उर्दू मेला कमेटी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, मैडम का भी इस्तकबाल करता हूँ, और तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्दू किताबी मेले के जितने भी इंतज़ामिया हैं जो रात दिन एक करके इस मेले को तैयार किया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश करके ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, ख़ास करके हमारे मंसूर भाई जो कि सैफ न्यूज़ के रूए नवा है, कंटिन्यू वो कवरेज करते रहते हैं। आज सैफ न्यूज़ अगर मालेगांव में चल रहा है तो उसके पूरा क्रेडिट मंसूर भाई को जाता है। मंसूर भाई मेला अपना आइंदा भी लगे और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहे और उर्दू को फ़रोग मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्दू किताबी मेले की वजह से आज हम पूरे इंडिया में जाने जाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला रात दिन इसको तरक्की नसीब करना। सिटी में नहीं सामाइन भी देख रहे पासे। एक नूर फलसफी है उर्दू किताब मेला, 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 चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला, चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला।
मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। मेराज रोशनी है उर्दू किताब मेला। मेराज रोशनी है उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है 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 उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। चलिए जुनैद अख्तर एटीटी के सहन में। मेराज रोशनी है उर्दू किताब मेला। मेराज रोशनी है उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। उर्दू किताब मेला। एक नूर फलसफी है 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 उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। चाहते हैं बंदगी है उर्दू किताब मेला। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मैं जिसका मुंतजिर था वो लम्हा आ रहा है। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला। मेरा दिल है आशिकी है उर्दू किताब मेला।